हेलो फ्रेंड्स, मैं रयूर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं F1 टेक सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। जी हां, आधार कार्ड का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितना है ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। दोस्तों, आज हम आधार कार्ड के एक ज़रूरी दस्तावेज तो बन ही गया है। अब आधार कार्ड अगर आप अपने एड्रेस को चेंज करते हैं तो आधार कार्ड को आप घर बैठे ही इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो घर बैठे एड्रेस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो मैं रवि वर्मा आपका स्वागत करता हूं F1 टेक सपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कैसे हम आधार के जो एड्रेस होते हैं उसको हम घर बैठे ही कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल वेबसाइट ओपन करना होगा। जी हाँ, गूगल के थ्रू आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। गूगल, तो चलिए हम गूगल को यहाँ पे ओपन करते हैं और उसके बाद हमें सिंपली टाइप करना है जो आधार का वेबसाइट है, यानी कि UIDI। जी हाँ, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे लिखिए UI। यहाँ देखिए, ऑलरेडी UIDI आपका यहाँ पे आ गया है। तो सिंपली से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सर्च होने देते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे UIDAI का जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको सिंपली जाना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली UIDAI के जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और उसके बाद डायरेक्टली आपको ये वाला जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन है UIDAI, यहाँ पे आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और ये आपका UIDAI का जो वेबसाइट है यहाँ पे अब ओपन हो चुका है। तो हमें एड्रेस को अपडेट करना है। जी हाँ, यानी कि जो आपका एड्रेस है उसका एड्रेस को अपडेट के रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को देना है। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये देखिए, आप इसको आप मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको आपको सिंपल तरीके से आधार अपडेट रिक्वेस्ट ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज ओपन होगा, वहाँ पे हमें जाना है और सिंपली उसी तरीके से आपको अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। जी हाँ, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अपडेट एड्रेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए सिंपली हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपसे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर देना होगा। जो आपका आधार नंबर है या वर्चुअल आईडी जो भी हो, आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको देना होगा। तो आधार कार्ड के लिए आधार नंबर आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे। तो आधार नंबर डालकर आपको इसे लॉगिन करना होगा और इसके बाद मोबाइल पर OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आपको दिया जाएगा। ये कैप्चा एंटर करने के बाद जो सेंड यहाँ पे यहाँ से इसको सेंड करेंगे और उसके बाद आपको OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज होने के बाद आप वापस से उस वेब पेज पे चल जाएंगे, वहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद वहाँ एक फॉर्म खुलेगा जो कि आपको ज़रूरत के हिसाब से जानकारी मुहैया कराना है। उस फॉर्म पे मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद ही बाद इसे एक बार फिर जांच कर ले, यानी कि जो भी आप उसमें फॉर्म में फिलअप कर रहे हैं उसे आप एक बार दोबारा से जांच कर ले, यानी कि कोई आपने गलती ना किया हो, ये इस चीज़ को आप देख लें। उसके बाद अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद डेटा का अपडेट रिक्वेस्ट चला जाएगा। आधार कार्ड एड्रेस अपडेट या बदलने के लिए कुछ अहम दस्तावेज की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, राशन कार्ड, ये सब जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, या तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है। जी हाँ, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं यानी कि जो यूआईडी हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं यूआईडी ही हैं, उन्हीं के द्वारा हमें आधार कार्ड की सर्विसेज मिलती हैं। इसके बदले आपको रिक्वेस्ट सबमिट का बटन भी वहाँ पे दबाना है, ये चीज़ को आप ना भूलें फॉर्म फिलअप करते समय। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ छोटा सा स्टेप था जिसको आप फॉलो करके अपना एड्रेस आप बहुत ही आराम से चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट करने में या चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, और अगर मेरे में कोई आपको दिक्कत लगती है मेरी वीडियो में तो आप वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिए। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल की वीडियोज अगर आपको अच्छे लगे, लगता है कि हमारा चैनल यूजफुल है, तो उसको आप ज़रूर से अपडेट करते रहें, कमेंट्स के द्वारा बताते रहें और सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।